मालेगांव शहर के 7 शहीदों को, जिन्हें 1922 में फांसी दी गई थी, मैं आज मालेगांव शहर की आवाम की तरफ से उन शहीदों को सलाम करता हूं। 1921 में इन शहीदों को अरेस्ट किया गया, जिन्होंने 1947 की मुल्कों की आजादी से पहले मालेगांव शहर को आजाद अंग्रेजों से करवाया और 3 दिन तक यहां पे हिंदुस्तानी राज चला। उन शहीदों को 99 साल हो गया फांसी दिए, और वो शहीद, उन शहीदों की यादगार अपने नाम के लिए, जिन्होंने मुल्कों के लिए फांसी दी, फांसी के फंदे को चूमा, मक्का अंग्रेज से लड़ते हुए 1921 में मालेगांव शहर को आजाद करवाया, उन शहीदों का यहां नाम नहीं लिखा जा रहा है। उसकी वजह सिर्फ यहां के चंद सियासी लीडरान, दोनों समाज के, हिंदू मुस्लिम दोनों समाज के जो आरएसएस के नक्श कदम पे चलने वाले हैं, वो हमारे शहीदों को गद्दार बताते हैं। मैं तारीख बता दूं कि उन शहीदों के साथ मालेगांव शहर के एक नहीं न जाने कितने मेरे हिंदू भाई उनके साथ गिरफ्तार हुए थे। मेरे हिंदू भाई, मीडिया के लोगों, पुलिस के लोगों, ये कोई विषय नहीं है, मेरे हिंदू भाई गिरफ्तारी हुए इन 7 शहीदों के साथ। 130 शहीद जो कैदी, जिनको अंग्रेज पकड़ी थी, उनके साथ बालचंद, हीराचंद, मैं सलाम करूंगा बालचंद को, जिन्होंने अंग्रेजों को मुल्कों की आजादी से पहले मालेगांव शहर से मार भगाया और हमारे मालेगांव के किले पे तिरंगा लहराया और तिरंगा लहरा के बताया कि ये अंग्रेज की और हमारी लड़ाई है। मैं शहरियान से अपील करना चाहूंगा, पिछले साल इलेक्शन का याम था तो हमारे एमएलए साहब फौज फाटा लेके आए थे सलामी देने, वोट मांगनी थी भीख तो फौज फाटा लेके आए थे, कहां गए एमएलए साहब? साहब कहाँ हो आप? आज शहीदों को भूल गए क्या? फिर वही 5 साल के बाद आओगे? मेरी शहरियान से अपील है, अगर जो शहरियान चाहती है कि ये मसला खत्म हो जाए, जो शहीदों का मसला है वो खत्म हो जाए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मालेगांव शहर की गयूर आवाम, महाराष्ट्र की आवाम, हिंदुस्तान की आवाम से अपील कर रहा हूँ, इसका रिपिटिशन हाईकोर्ट में दाखिल किया जाए। इस पे कोई स्टे नहीं है, कुछ नहीं है, अगर जो स्टे है तो पुलिस वाले मुझे बताए कि इस पे स्टे लागू है। मैं देखना चाहता हूँ कि इस पे किस किस्मों का स्टे है।